सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्योछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला, उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनके स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कणकण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा, ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूँ, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृतसंकल्पित हैं। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहाँ अवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलांबरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहाँ कारखानों की आवाज़, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शाम को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और बहनों के लिए नई उम्मीदों के फूल खिलते हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसका दुनिया में मान सम्मान हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान कर सके। काफ़ी हद तक अपने इन संकल्पों को साकार करने में हमें सफलता मिली, फिर भी मैं जानता हूँ मंजिल पाने के लिए अभी हमें लंबा सफ़र तय करना है। 3 साल पहले इसी दिन मैंने आवाम से कहा था, मैं आपसे वायदा करने नहीं आया हूँ बल्कि निभाने आया हूँ। पिछले 3 वर्षों में हमने अनेक क्षेत्रों में अपने संकल्पों को साकार करने में सफलता पाई है। 3 वर्षों में जीवन का एक एक क्षण, अपनी हर एक सांस को जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए समर्पित करने का प्रयास किया गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी है। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, नारी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जो उनके सामर्थ्य से स्वाभिमानी, स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सके। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की की हलचल सुनाई पड़ रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 वर्ष कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विकास इतनी रफ्तार से हुआ हो।
इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर उद्यमियों और स्थानीय लोगों में नया उत्साह और उमंग है। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ नई सड़कें बन रही हैं, टनल निर्मित हो रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही, नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट विकसित किए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, दशकों बाद सिनेमा हॉल आज लोगों के लिए उपलब्ध है, सड़कों पर पत्थर नहीं सरगम की गूंज सुनाई पड़ रही है। 1,30,00,000 नागरिकों की मेहनत जम्मू कश्मीर की नई तकदीर तराश रही है। अवाम एक मन एक प्राण होकर जम्मू कश्मीर को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गत वर्ष आज ही के दिन मैंने अवाम को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराया था। टेरर इको सिस्टम को नेस्तनाबूद करके हर एक नागरिक को बेखौफ और अपनी मर्जी से जीने का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल गवर्नेंस के तमाम इंटरवेंशंस तथा टूल्स ने काफ़ी हद तक सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारी मदद की है। ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज में 90% से ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग प्रशासन में आम आदमी की आस्था का प्रतीक है। मेरिट बेस्ड 29,806 सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 786 नौजवानों ने नई उद्यम की यात्रा शुरू की है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। इस लड़ाई को ड्रग फ्री पंचायत अभियान द्वारा और मजबूती दी जा रही है। चाहे मुकदमों का रजिस्ट्रेशन हो, अरेस्ट हो तथा सीजर, पूर्व की तुलना में जो वृद्धि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन और पुलिस ने किया है वो निश्चित रूप से हमारे संकल्प को दोहराता है। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर की सर्वधर्म संभाव की विरासत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है, लेकिन 3 दशकों तक ऋषियों सूफियों की इस धारा को पड़ोसी मुल्क के आतंक ने अनेक जख्म दिए हैं। भाईचारे के ताने बाने को तहस नहस करने का दुस्साहस भी किया गया। आतंकवाद और अलगाववाद की आइडियोलॉजी समाज का कैंसर है, उसे निश्चित रूप से काट कर निकालना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में आतताइयों के आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक पड़ाव हासिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे बहादुर सिपाहियों और सैनिकों के बलिदान से भरा हुआ है। उनके शौर्य की कीर्ति ही हमारी नदियों का वेग है। हमारे बहादुरों की एक जात, एक मजहब और एक माँ है, वो भारत माँ है। हमने नीतियों की पवित्रता और नैतिक बल से आदि शंकराचार्य, कल्लण, ललेश्वरी, शेखुल आलम, सैयद सिमनानी, माता रूप भवानी, सिख गुरुओं की इस पवित्र मिट्टी में फिर से मोहब्बत व भाईचारे का दिया जलाया है। इस अवसर पर मुझे दीनानाथ नादिम की एक कविता याद आ रही है, हेल मेल संवर्तन से दुनिया को समान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, जहाँ दिलों का शौक एक हो, सबकी एक प्रवृत्ति रहे, जो से खो हो से खो सबकी ममता वृत्ति रहे, उसी जगह पर मुझे प्यार का देवस्थान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। आज इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना से एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट, बाबा अमरनाथ की यात्रा, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस और सभी नागरिकों का आदर सम्मान के साथ शामिल होना नए रुत, नई फजा की निशानी है। जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन और मोहब्बत का एक नया काफिला चल निकला है, जो सोते हुए लोगों को जगा रहा है, बुझे चरागों को फिर से जला रहा है। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर हमें यह भी याद करने की आवश्यकता है कि बलिदान और त्याग सिर्फ अतीत में स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था। आज इस खुली हवा में हमें सांस लेने का अवसर मिला है, जिस मिट्टी की सेवा करने की हमें ताकत मिली है, उसे और अधिक उन्नत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन त्याग करना होगा। आज के इस पवित्र दिन पर मैं हर एक नागरिक से निवेदन करता हूँ, वह स्वयं से एक सवाल पूछे कि क्या अपने सपनों के अनुरूप जम्मू कश्मीर के निर्माण में उन्होंने कुछ योगदान दिया है, कोई त्याग किया है, कोई बलिदान दिया है क्या, कोई तपस्या की है,
यह सवाल हमें नई क्षमता से, नए पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। इस पावन अवसर पर मैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण सामर्थ्य के योगदान का आह्वान भी करता हूँ। मैं जानता हूँ इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे में सिमटी आवाम में पत्थरों को भी पिघलाने की ताकत होती है। आइए आज हम तय करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को सशक्त करते हुए हम 2047 तक विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आइए आज हम यह तय करें कि प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के संकल्प को पूरा कर जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में जरूर स्थान दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव का पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है। इस अभियान में इवेंट्स आयोजित करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी रहा है। आज भी गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगे की रंगत आम नागरिकों के जोशो जनून अमृत संकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। यह रैंकिंग ऐतिहासिक है। झेलम, तवी, चिनाब एवं पहाड़ों की गोद में लहराता तिरंगा, 1,30,00,000 कंठों से निकल रहे भारत माता के जयकारे ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सांस में बांधने का काम किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान से हो रहा है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है जो हम सभी को इस मिट्टी को नमन करने और वीरों का वंदन करने का अवसर दे रहा है। 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारी संख्या में नागरिक वसुधा वंदन, वीरों का वंदन और पंच प्रण की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आइए आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह प्रण करें कि एक एक दिन, जीवन का प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीकर अर्पित कर हम आज़ादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के वैभव से देश नहीं दुनिया चकित है। 2023 जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। G20 समिट का सफल आयोजन और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा है। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया है। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है, मान और सम्मान मिला है। G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ने न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि G20 समिट के बाद कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1,27,00,000 पर्यटक आ चुके हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इस साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शामिल है। लंबे समय तक चलने वाली यात्रा, मैं समझता हूँ, देश भर के लोगों को एक सुखद अनुभूत दे रही है। शांति और स्थिरता के माहौल ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी इस बार आकर्षित किया है। 34 साल बाद सिया समुदाय के भाइयों को मुहर्रम पर्व पर हजरत इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान को पारंपरिक मार्ग पर आयोजित कर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। भाइयों और बहनों, समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्मित की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी नई रफ्तार आई है और विस्तार भी आया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान GST संग्रह लगभग 7,300 करोड़ रुपए था। पिछले तिमाही में SGST कैश कलेक्शन में उल्लेखनीय 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टाम्प शुल्क के संग्रह में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। नई जम्मू कश्मीर उत्पाद शुल्क नीति
2023-24 के अंतर्गत 66.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 767.89 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। भाइयों और बहनों, अखंड श्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं। पिछले 3 वर्षों में हम सब ने पूरी कर्मठता से दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति दी। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 53 में से 32 परियोजनाएं पूरी कर ली गईं। शेष 21 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भाग्य की लकीरें इससे खींची जा रही हैं। 15 PMDP के रोड प्रोजेक्ट्स, 21 नई टनल, 39 नए फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड आधुनिक जम्मू कश्मीर की नई नींव साबित होंगे। रोड बिल्डिंग मैक्टमाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर प्रति महीने हम लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे गर्व है, सभी 4291 पंचायतों में आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। PMGSY 1 और 2 के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 7000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण करके 97% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस योजना के पात्र 98% हैबिटेशन तक सड़क पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा को में जोड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा नाबार्ड के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपये की 1273 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं 1039 गांवों तक आज़ादी के बाद पहली बार कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए अगस्त के पवित्र महीने में ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि ज़मीन पर सभी प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और तीव्र इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपए की 169 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। शेष 4400 करोड़ रुपए की लागत से 102 परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिन्हें नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। श्रीनगर शहर आज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में देश के अन्य शहरों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों के लिए एलिवेटेड मेट्रो लाइट योजना प्रस्तावित की गई है। पिछले 2 वर्षों के अनवरत प्रयासों से जम्मू कश्मीर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दहलीज पर खड़ा है। आज 27000 करोड़ रुपए से अधिक के काम जमीन पर हो रहे हैं। 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर को 80000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहला FDI का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इमार ग्रुप श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बनावे इसके लिए उन्हें जमीन आवंटित की गई है। 1 IT टावर श्रीनगर में और 1 IT टावर जम्मू में बने इसके लिए भी उन्हें जमीन दी गई। 175 सर्विस सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा मुहैया कराई जा रही। 19 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट विकसित किए जा रहे हैं। 7 क्राफ्ट की GI टैगिंग कर दी गई है। 21-22 की तुलना में 22-23 में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ने 2 गुनी वृद्धि दर्ज की है। मैं यूनियन टेरिटरी के सभी हस्तशिल्प कलाकारों को भरोसा देता हूँ कि हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आपके हुनर का सम्मान और आपके जिंदगी संवारने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। PMGP के तहत भी हजारों विलेज यूनिट स्थापित कर नौजवानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष पूरे देश में जम्मू कश्मीर PMGP में प्रथम स्थान पर था। रिग्रेसिव भूमि कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। भूस्वामियों को एम्पावर किया गया है तथा भू माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। लैंड डिजिटाइजेशन और 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लैंड पासबुक उपलब्ध कराकर भूस्वामियों को सशक्त बनाया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए रसूखदारों से विधि सम्मत तरीके से जमीन वापस ली गई। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीबों और वंचितों का है। जिन जमीनों को हमने आज तय किया है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला भूमि आवंटित करेगा ताकि उनके घर का सपना पूरा हो सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि PM
एवाई ग्रामीण के अंतर्गत 3,39,000 घर स्वीकृत किए जा चुके थे, जिसमें 1,74,000 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष का भी इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा। 2023-24 में 1,99,500 घर पुनः स्वीकृत किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शक्तिशाली, संगठित और रचनात्मक रूप से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस वर्ष 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 6400 जनप्रतिनिधियों को कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपोजर के लिए देश के अन्य हिस्सों में भेजने का प्रबंध किया गया था। मनरेगा के 862 करोड़ रुपए के प्लान की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 200 लाख मैंडेट सृजित होने की उम्मीद है। नारी शक्ति को उनका उचित स्थान सुराज की पहली निशानी है। इस लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की 6.5 लाख से अधिक बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया। महिलाओं की तरक्की के लिए लगभग 7,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन और 503 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए। और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में किसी से भी आगे बढ़ चढ़ कर के योगदान कर रही हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रशासन के अनवरत प्रयासों से हरे भरे खेतों में संपन्नता की फसल उग रही है। चाहे वो दलहन क्रांति हो, मिल्क क्रांति हो, पीली क्रांति हो, बागवानी के सेक्टर में आई नई ऊर्जा से अवाम की 70% आबादी यानी हमारे जम्मू कश्मीर के मेहनत कश किसान परिवारों में भविष्य और खुशहाली को लेकर के नई उम्मीद जगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार पैदा हो, खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम हो, इसके लिए 5,013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 29 प्रोजेक्ट्स के द्वारा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के प्रोडक्शन को दोगुना करना, लगभग 3 लाख से ज़्यादा नए रोजगार का सृजन करना, 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइजेज की स्थापना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हमारा लक्ष्य है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एप्पल के अलावा 11 अन्य फलों को भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मंजूरी दे दी गई है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में किसान संपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिवत अभियान चलाया जा रहा है। 270 इंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशंस को स्वीकृति मंजूर कर दी गई है। लाइव स्टॉक सेक्टर तथा मिलेट कल्टीवेशन को खास तवज्जो दी जा रही है। 12 लाख से ज़्यादा किसानों को आसान क्रेडिट एक्सेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,512 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों तक पहुंचाई गई है। सहकारिता क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिशों के नतीजे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, कृषि, कंज्यूमर, हाउसिंग, हेल्थ तथा एजुकेशन में 1,000 से अधिक नई सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। 27 साल बाद जम्मू कश्मीर में एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हो सकी है। 537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के विजन के मुताबिक विश्व के सबसे वृहद अनाज भंडारण के लिए जम्मू कश्मीर भी पैक्स की सेवाएं लेगा। आम नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में एक है। लगभग 4,000 हेल्थ फैसिलिटीज विकसित करने में हमें सफलता मिली है। 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 3,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। 83 लाख से ज़्यादा सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत लगभग आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च कर रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर को यूटी श्रेणी में टॉप परफॉर्मर चुना गया है। स्वास्थ्य के जो 5 प्रमुख पैरामीटर्स हैं उसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में जम्मू कश्मीर शामिल है। जम्मू कश्मीर ने देश का पहला टेली मानस चैट बॉट लॉन्च किया है। ऑनलाइन 108 और 110 सुविधाओं के तहत 480 जियोटेक एम्बुलेंस नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी 500 MBBS सीटों को बढ़ाकर अब 1300 कर लिया गया है। निजी क्षेत्र भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है। पकलदुल, किरू, रतले, क्वार जैसे मेगा हाइड्रो पावर की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने
के साथ जम्मू कश्मीर में लगभग 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। आम नागरिकों को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2345 MVA क्षमता जोड़ी गई है। ट्रांसमिशन क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से घाटे को कम करने, बेहतर मांग प्रबंधन और सबके लिए 24/7 बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ने जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर एक नई पहचान दी है। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म व्यवसाय को नई ऊंचाई दी है। पिछले साल रिकॉर्ड 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। इस साल जुलाई तक, जैसा मैंने पहले बताया, 1,27,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में 350% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए 300 नए डेस्टिनेशन टूरिज्म साइट विकसित किए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देकर नई होम स्टे पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी तथा टेंटेज कॉलोनीज द्वारा न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है, बल्कि युवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कर्मियों के लिए रोजगार के पर्याप्त नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, पारदर्शी शासन और नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम समय जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ई गवर्नेंस में UT श्रेणी में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर एक है। प्रतिदिन लगभग 20,00,000 से ज़्यादा औसतन ई ट्रांजेक्शन आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल है। पेपरलेस फेसलेस गवर्नेंस के संकल्प को साकार करते हुए 480 सरकारी ऑफिसेस को ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है। 722 ऑनलाइन सर्विसेस नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे पहले सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म ऑटो अपील फीचर से इंटीग्रेट करके 300 सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ने में सफलता पाई है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था इससे सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से समाप्त होगा। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर देश के नए स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 702 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के कंप्लीट किए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल निर्मित किए गए हैं, स्टेडियम बनाए गए हैं। 60,00,000 से ज़्यादा युवाओं ने पिछले वर्ष स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लिया था। 18 नेशनल गेम्स तथा 1 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। गांव और शहरों के खेल के मैदानों में नई ऊर्जा और नई क्रांति का जन्म हुआ है। समाज कल्याण की सभी स्कीमें और विभिन्न पेंशन पूरी तरह से डिजिटाइज कर दी गई है और उनका सैचुरेशन भी कर लिया गया है। 18 जिलों में सीनियर सिटीजन होम स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगजनों तथा वंचितों के कल्याण की स्कीम का 100% सैचुरेशन किया गया है। पारदर्शी और मेरिट पर आधारित 1819 संगिनी और 2611 सहायिका के पदों पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। शांति और स्थिरता ने जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को सुनहरे भविष्य की नई उम्मीदें दी हैं। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज फंक्शनल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आधुनिक जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में नए स्किल रिसर्च इनोवेशन तथा भविष्य की टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा को अपनाया गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को अपनाया जा चुका है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर लेकर के आई है। डिजाइन योर डिग्री के कार्यक्रम ने देश के शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया है। 15,000 से ज़्यादा स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू कर दी गई। आओ स्कूल चले अभियान की वजह से स्कूल इनरोलमेंट में लगभग 18% की वृद्धि हुई है। तलाश ऐप के माध्यम से
95,000 से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके वापस स्कूल लाने में हमें सफलता मिली। छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की जा रही है। बेटियों की शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्वालिटी एजुकेशन समाज के हर एक वर्ग की पहुंच में हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय ट्राइबल समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी ईमानदारी से उनके हितों की रक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहा है। ट्राइबल समुदाय की भावी पीढ़ी के बेहतर शिक्षा के लिए अनेक नए हॉस्टल लोकार्पित किए गए हैं। कई हॉस्टलों की बुनियाद रखी गई है। 200 स्मार्ट स्कूल डेवलप किए गए हैं। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में भी भारी वृद्धि की गई है। 6 क्लब रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल शुरू किए गए हैं। 1873 सीजनल स्कूल द्वारा माइग्रेटरी आबादी के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सभी माइग्रेटरी परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किया गया है। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और ट्राइबल सब सेंटर निर्मित किए गए हैं। 4,00,000 माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा जम्मू कश्मीर प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। ट्राइबल समुदाय की बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत वंदन विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। लंबे समय बाद देश के बाकी राज्यों में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को ट्राइबल भाइयों को लंबे समय तक इंतज़ार किया करना पड़ा है, उसे भी लागू कर दिया गया। कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के जिन जमीनों पर घरों पर अवैध कब्जा था उन्हें अपनी जमीन जिन्हें अपनी ज़मीन दबाव में बेचनी पड़ी थी उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडित भाइयों के जो सरकारी नौकरी में हैं आवास निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया है और उसे समय सीमा में पूरा किया जाए इसकी हर कोशिश हो रही है। स्पेशल गवर्नेंस कैंप के द्वारा कश्मीरी पंडित समुदाय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों की समस्याओं का निराकरण करने में हमें सफलता मिली। मैं ऐसे तमाम अपने बहनों भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कैसा आकांक्षी वातावरण तैयार हुआ है जो सुनहरे दशक का निर्माण करने को अधीर है। संतुलित विकास संस्कृति परंपराओं का बहाव तथा सिनेमा जगत की वापसी ने नई आबोहवा पैदा की। जम्मू कश्मीर में एक नया पुरुषार्थ जागृत हुआ है। आज समाज का हर एक वर्ग नई पीढ़ी का संरक्षक है। हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे आज ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए आज के पावन दिन पर मैं नौजवानों को नए अवसर मंत्र के साथ अभियान शुरू करने का आह्वान करता हूँ, जिसमें हमारे प्रशासन के सभी विभाग हिस्सा लेंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हर एक नौजवान को यकीन दिलाएं कि उनके लिए अवसरों और संभावनाओं की कोई कमी नहीं होगी। हमारा दूसरा लक्ष्य आधी आबादी की खुशहाली है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी बच्चियों माताओं बहनों की सुरक्षा, उनके सामाजिक अधिकार, उनका आर्थिक हक हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान में सभी सरकारी विभाग एक्शन प्लान बनाकर आगे काम करें, इसी योजना बनाई जाएगी। हमें ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना है जहां माताओं बहनों और बच्चियों को पूरे आदर सम्मान और स्वाभिमान के साथ हिफाजत की ज़िंदगी जीने का अवसर मिले और अपने हक हासिल करने में उन्हें कोई कठिनाई न हो। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नारी शक्ति का स्थान सबसे ऊंचा। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नौजवान को पर्याप्त अवसर है। आइए एक ऐसे जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करें जिसमें सिर्फ एक जाति हो और वो मानवता। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसका एक लक्ष्य देश की एकता और अखंडता हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसकी अलग अलग भाषाओं अलग अलग जुबानों से सिर्फ एक ही स्वर निकले, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आइए हम कदम से कदम मिलाकर दिल से दिलों को जोड़कर अपने संकल्पों को पूरा करें और इन पंक्तियों के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। है फूट रही है लालिमा तिमिर की, टूट रही घनकारा है, जय हो की स्वर्ग से छूट रही आशीष की ज्योति धारा है,
बज रहे किरण के तार गूंजती है अंबर की गली गली, आकाश हिलोरे लेता है अरुणिमा बधा बांध धारा निकली। मंगल मुहूर्त रवि उठो हमारे क्षण ये बड़े निराले हैं, हम बहुत दिनों के बाद विजय का शंख फूंकने वाले हैं। वो यहाँ सत्य की चिनगारी सुलगे सुलगे वह ज्वाल बने, खोजे अपना उत्कर्ष भय दुर्दांत शिखा विकराल बने। आगे वह लक्ष्य पुकार रहा हाकते हवा पर यान चलो, सुर धनु पर धरते हुए चरण मेघों पर गाते गान चलो। बदली थी जो पीछे छूटी सामने रहा वह तारा है, आकाश चीरते चलो अभी आगे आदर्श तुम्हारा है। आकाश चीरते चलो अभी आगे आदर्श तुम्हारा है। प्यारे भाइयों और बहनों मेरे साथ मिलकर तीन बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद।